दुकान से कोई चीज चाहिए, अगर आपको दुकान से कोई मनचाहा चीज चाहिए तो आपको उसके लिए कीमत चुकानी पड़ती है। ठीक वैसे ही मनचाहा जिंदगी जीने के लिए आपको एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी होगी। इसलिए आप ध्यान रखना, अगर आप मनचाहा जिंदगी जीना चाहते हो, जैसे दुकान पर मनचाही चीज खरीदने के लिए तुम कीमत अदा करते हो, वैसे ही तुमको मनचाहा जिंदगी जीने के लिए कीमत अदा करनी होगी। जी हाँ, खुद को तपाना होगा। जी हाँ, खुद को तपाना होगा, तब जाके आप मनचाहा जिंदगी जी सकते हो। मनचाहा जिंदगी जीने के लिए आपको जो कीमत चुकानी होगी वो मेहनत रूपी कीमत चुकानी होगी। सही दिशा में, सही तरीके से, सही चीजों को तुमको सीखना होगा तभी। नहीं तो जानते हो ना कि भिखारी को उतना ही मिलता है जितना लोग दूसरा छोड़ देते हैं, भिखारी को उतना ही मिलता है। इसलिए दोस्त सोचो, जल्दी सोचो, तुम्हारे सोचने के पहले को सोचना नहीं, तभी सफलता किसी के बाप की जागीरों में मिलती है। इस लाइन के साथ मैं आदित्य सर, आदित्य जिस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूँ। और जीव विज्ञान की शाखाएं आज का टॉपिक है। कल मैं आप लोगों को जीव विज्ञान से परिचय करा चुका हूं। मैंने पहला जो चैप्टर पढ़ाया था वो इंट्रो ऑफ बायोलॉजी था। मैंने बताया था कि इंट्रो ऑफ बायोलॉजी जीव विज्ञान का निर्माण ग्रीक भाषा के दो शब्द बायोस प्लस लोगोस के मिलने से हुआ। बायोस मतलब लाइफ, लोगोस मतलब स्टडी, जिंदगी के अध्ययन को बायोलॉजी कहते हैं। जीव विज्ञान के जनक कौन थे? अरस्तु, अरिस्टोटल, ठीक है, फादर ऑफ जूलॉजी, फादर ऑफ बायोलॉजी। उन्होंने एक पैलेंटियम क्या लिखा, हिस्टोरिका मतलब हिस्टोरिया क्या लिखा, तो आपको एनिमलियम दिखा। और एक वनस्पति विज्ञान थियोफिस्टस बातें हुई थी, ठीक है। जीव विज्ञान टर्म किसने दिया था? लैमार्क और टवरनेलस नामक वैज्ञानिक ने 1801 में दिया था ऐसा। अब चलते हैं आगे, जीव विज्ञान की शाखाएं, ठीक है। देखिए, मैं जो भी पढ़ाता हूँ वह क्लास में ही याद करा देता हूँ, ऐसा मेरे बारे में आप सुने होंगे। जी हाँ, अगर सुने हैं तो हो सकते हैं, अगर आप मेरी पहली बार क्लास कर रहे हैं, मेरे चैनल पर पहला बार आए हैं, अगर थंबनेल देख कर आए हैं तो अंत तक रुकिएगा, आपको भी ये क्वेश्चन दिमाग में हमेशा के लिए याद हो जाएगा। ये मेरा प्रॉमिस है। अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा, अगर याद हो जाए तो शेयर कीजिएगा, दोस्तों से सब्सक्राइब करवाइएगा, लाइक और कमेंट तो जरूर कीजिएगा। आइए चलते हैं जीव विज्ञान की शाखाएं, यानी ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी। ब्रांचेज ऑफ बायोलॉजी, देखिए, लॉजी, LOZY, लॉजी मतलब क्या होता है? स्टडी। याद रखियो, लॉजी मतलब होता है स्टडी, लॉजी मतलब होता है स्टडी, ठीक है। तो दिमाग के कोने में सेट कर दो कि लॉजी मतलब क्या होगा? स्टडी। अब जैसे सिखाता हूं, सीखो। देखो, माइको कवक फाइको सहवाल, लॉजी लॉजी जोड़ देना, माइकोलॉजी फाइकोलॉजी। माइकोकवक फाइकोसेवाल मतलब क्या होता है? स्टडी करना। तो माइकोकवक फाइकोसेवाल, माइकोकवक फाइकोसेवाल, पोमोफल क्लोरिकुल, ये रहा पोमोफल क्लोरिकुल, एंथो फूल यानी पुष्प, बट यहाँ कल्चर जुड़ा हुआ है, एंथोलॉजी जुड़ा हुआ है यहाँ पे, फ्लोरी में कल्चर जुड़ा हुआ है। कल्चर मतलब पालन पोषण या कृषि करना, ऐसा टेक केयर का सेंस आता है। अब एक लॉजी वाला समझो, ठीक है। तो पोमोफल क्लोरिकुल, माइकोलॉजी में कवक का अध्ययन, माइकोलॉजी में सवाल का अध्ययन, पोमोलॉजी में फल का अध्ययन, फ्लोरिकल्चर, कल्चर मतलब कृषि, पुष्प की कृषि। जी हाँ, एंथो, एंथो, एंथो मतलब फूल, यानी फूल का अध्ययन क्या कहलाता है? एंथोलॉजी। ऐसा सारो छिपकली ओपियो सांप, सारो छिपकली ओपियो सांप, ये रहा सारो छिपकली ओपियो सांप, मैं बोलूंगा सारो छिपकली, तुम बोलना ओपियो सांप, मैं बोलूंगा माइको कवक, तो तुम बोलना फाइको सहवाल। वीडियो देख रहे होगा, लेकिन बोलना जरूर, अगर बोलोगे ना दिमाग बढ़ जाएगा। देखो, माइको कवक फाइको सहवाल, अपोमो फल अप्लोरी फूल, पेमो फल अप्लोरी फूल, अस्वरो छिपकली ओपियो सांप, सौरो छिपकली ओपियो सांप, सौरो छिपकली ओपियो सांप, एंथो फूल, माइको कवक फाइको सहवाल, पोमो फल क्लोरी फूल, पोमो फल क्लोरी फूल, माइको कवक फाइको सहवाल, पोमो फल क्लोरी फूल, माइको कवक फाइको सहवाल, पोमो फल क्लोरी फूल, सारो छिपकली ओपियो सांप, सारो छिपकली ओपियो सांप, सारो छिपकली ओपियो सांप, सारो छिपकली ओपियो सांप,
लॉजी 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 जोड़ दिए, क्या हो गया? और देन स्टडी माइको कब फाइको सेवाल पोमो फल फ्लोरी फूल पोमो फल फ्लोरी फूल सौरो चिपकली ओपियो सांप, ये रहा सौरो चिपकली ओपियो सांप, सौरो चिपकली ओपियो सांप, सौरो चिपकली ओपियो सांप, मैं बोलूंगा सौरो चिपकली तुम बोलना ओपियो सांप, ये बताना माइको कब तो फाइको, माइको कब तो फाइको, पोमो फल तो फ्लोरी, ये बताना कि सौरो चिपकली तो ओपियो जी हां चलो ठीक है। आस्टियो हड्डी तो कार्डियो हृदय, एस्टियो हड्डी तो कार्डियो हृदय, एस्टियो हड्डी कार्डियो हृदय, एस्टियो हड्डी कार्डियो हृदय, एस्टियो हड्डी कार्डियो हृदय, एस्टियो हड्डी कार्डियो हृदय, ऑर्निथोपसी एंडोमोकीट, ऑर्निथोपसी एंडोमोकीट, मैं बोलूंगा ऑर्निथोपसी तुम बोलना एंडोमोकीट, ऑर्निथोपसी एंडोमोकीट, ऑर्निथोपसी एंडोमोकीट, मैं बोलूंगा ऑर्निथोपसी तुम बोलना एंडोमोकीट, ठीक है। अच्छा ये बताना माइको कब तो फाइको, पोमो फल तो फ्लोरी, ये बताना सौरो छिपकली तो ओपियो, सौरो छिपकली तो ओपियो सांप, ठीक है। आस्टियो हड्डी, आस्टियो हड्डी तो कार्डियो हृदय, आस्टियो हड्डी तो कार्डियो हृदय, आस्टियो हड्डी तो कार्डियो हृदय, ऑर्निथोपची तो एंटमोकीट, ऑर्निथोपची तो एंटमोकीट, अरे ऑर्निथोपची तो एंटमोकीट, नाम जो लॉजिक लॉजिक जोड़ दे, ये बताना मुझे कवक का अध्ययन क्या कहलाएगा, माइकोलॉजी, सेवा का अध्ययन फाइकोलॉजी, फल का अध्ययन पोमोलॉजी, पुष्प का अध्ययन एंथोलॉजी, छिपकली का अध्ययन सौरोलॉजी, सर्पों का अध्ययन ओपियोलॉजी, अस्थियों का अध्ययन आर्कियोलॉजी, हृदय का अध्ययन कार्डियोलॉजी, पक्षियों का अध्ययन ऑर्निथोलॉजी, और कीट पतंगों का अध्ययन एंटोमोलॉजी, दैट्स इट। चलो आगे चलते हैं, डार्विन स्क्रीन शॉट लो। अब देखिए वहां तक तो आप लोग समझ गए कि क्या क्या था, माइको कम फाइको सेवाल पोमो पल प्रोडिप सौरो छिपकली ओपियो सांप, ठीक है, सौरो छिपकली ओपियो सांप, ऑस्टियो हड्डी कार्डियो हृदय, ऑर्निथोपची एंटमोकीट। अब आगे चलते हैं, देखो हिमाटो ब्लड, हिमाटो ब्लड, ब्लड मतलब रुधिर होता है, हिमाटो ब्लड, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, स्किन होता है ना, गर्मी का मौसम चल रहा है ना, डर्मिकुल पाउडर बड़ा चर्चा में आता है, डर्मी मतलब क्या, त्वचा को कूल करने वाला पाउडर, तो डर्मोलॉजी क्या है, त्वचा संबंधी अध्ययन, डर्माटोलॉजी कहिए डर्मोलॉजी कहिए दोनों, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, साइटो कोशिका इको प्रस्थितिकी, इको प्रस्थितिकी, साइटो कोशिका, साइटोकोशिका इको प्रस्थितिकी, प्रस्थितिकी में क्या होता है, जीवधारी एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन, जीवधारी एवं वातावरण के बीच संबंध का अध्ययन किसमें होता है, इकोलॉजी में, ठीक है, हम लोग पढ़े हैं सारा, इसके पहले मैंने फादर पढ़ाया जाता था तो आपको याद भी आ रहा होगा, ठीक है। हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, साइटोकोशिका इको प्रस्थितिकी, जीवधारी एवं वातावरण के बीच के संबंध, एक गैनिकोलॉजी स्त्री रोग का अध्ययन, एक गैनिकोलॉजिस्ट होती हैं जो स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर होती हैं, आप लोग को मालूम होगा जो लोग गर्ल्स संगीत में, तो गैनिकोलॉजिस्ट ये जो है आपका स्त्री रोग विशेषज्ञ, अब इसमें दो जोड़ देंगे, इसको डायरेक्टली याद कर लेना, गैनिकोलॉजिस्ट जो है स्त्री रोग, ठीक है ना, तो गैनिकोलॉजी स्त्री रोग का अध्ययन, गैनिकोलॉजी स्त्री रोग का व्याधियों का अध्ययन, ठीक है। हेप्टो यकृत, हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टो हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टोयकृत लेप्रो कुष्ठ, ठीक है। तो ये जो हेप्टोलॉजी यकृत का अध्ययन, लेप्रोलॉजी कुष्ठ रोग का अध्ययन, अब देखो ये स्पर्म, स्पर्म मतलब बीज होता है, ठीक है, मेल का स्पर्म नाम होता है, तो ये बीज, ठीक है, और यहाँ पर सीड्स बायोलॉजी बीज को कहते हैं, तो स्पर्मोलॉजी, स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बीज का अध्ययन, फिर से जोड़ते हैं, देखो हिमाटो ब्लड, मैं हिमाटो ब्लड बोलूंगा तो डर्मा स्किन बोलना, हिमाटो ब्लड तो डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड तो डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड तो डर्मा स्किन,
साइटोकोशिका तो इको प्रस्तुत की, साइटोकोशिका तो इको प्रस्तुत की, साइटोकोशिका इको प्रस्तुत की, साइटोकोशिका इको प्रस्तुत की। और ये जो स्त्री रोग विशेषज्ञ होते हैं, स्त्री रोग का अध्ययन गायनेकोलॉजी मतलब क्या होता है, स्त्री रोग का अध्ययन। ये बात हेप्टो यकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टो यकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टो यकृत लेप्रो कुष्ठ, हेप्टो यकृत लेप्रो कुष्ठ। स्पर्मोलॉजी मतलब बीज का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी मतलब किसका अध्ययन होगा, बीज का अध्ययन, स्पर्मोलॉजी बराबर बीज का अध्ययन, ऐसा। ठीक है, चलिए अब चलते हैं और आगे। चलो अब आगे देखो, इतना समझ में हम लोग को आ चुका है, सिर्फ तरीका मेरा फॉलो करते रहना, आपको याद हो जाएगा। रट्टा मत मारना, जैसे मैं समझाया हूँ, माइक्रोकॉप माइक्रो सेवाल प्रोमो पर प्लोरी पुल कार्डियो हृदय अस्टियो हड्डी, वैसे ही चलना। हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, हिमाटो ब्लड डर्मा स्किन, वैसे ही चलना, ठीक ना। अपना व्यक्तिगत दिमाग मत यूज करना, ठीक है। अब देखो, नेफ्रो किडनी, नेफ्रो जैसे कि एप्पल एप्पल मतलब सेम होता था ना, वैसे ही नेफ्रो किडनी न्यूरो तंत्रिका, नेफ्रो किडनी न्यूरो तंत्रिका, नेफ्रो किडनी न्यूरो तंत्रिका। वीडियो को दो बार देख लेना, याद हो जाएगा तुमको, ना बढ़ाओगे, हमारा दावा है कभी नहीं बढ़ाओगे। तो नेफ्रो किडनी, नेफ्रो किडनी, नेफ्रो किडनी और न्यूरो तंत्रिका, ये मतलब न्यूरोलॉजिस्ट है, नस रोग है तंत्रिका तंत्र का, ठीक है। तो नेफ्रो किडनी, न्यूरो तंत्रिका, न्यूरो तंत्रिका, नेफ्रो किडनी, ये मतलब न्यूरो है, न्यूरो जो दिमाग से परेशान हो जाते हैं, मतलब न्यूरो के पास भेज दीजिए। तो न्यूरोलॉजिस्ट जो होते हैं वो दिमाग के रोग के डॉक्टर, या फिर तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम, एक सेंट्रल नर्वस सिस्टम पता है आप लोग को, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम, स्वायत्त केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, एक स्वायत्त तंत्रिका तंत्र, ठीक है। तो नेफ्रो किडनी न्यूरो तंत्रिका, नेफ्रो किडनी न्यूरो तंत्रिका। अब देखो, मोर्फोलॉजी मतलब बाहरी संरचना, शरीर के बाहरी संरचना का अध्ययन क्या कहलाएगा, तो मोर्फोलॉजी। और एनाटॉमी आप जानते हैं, आंतरिक संरचना या शरीर के अंदर की संरचना जो जो है क्या लगा हुआ, उसके बारे में एनाटॉमी। लोग कहते हैं एनाटॉमी कर देते हैं, सुने होंगे अगर मेडिकल के स्टूडेंट होंगे तो कभी कभी ऐसा, एनाटॉमी यानी आंतरिक संरचना, मोर्फो बाहरी संरचना, एनाटॉमी आंतरिक संरचना, मोर्फो बाहरी संरचना, एनाटॉमी आंतरिक संरचना, ठीक है। अब देखो, नेफ्रो किडनी, नेफ्रो किडनी और न्यूरो तंत्रिका और मोर्फो बाहरी संरचना, एनाटॉमी भीतरी संरचना, ऐसा। पैथोलॉजी, देखो पैथो मतलब रोग का, लोग कहते हैं पैथोलॉजी में भेज दिए, मतलब डाटा आपका संग्रह होता है, मान ली ब्लड जांच कराना है, देखिए लिखा रहता है कि दृष्टि पैथोलैब, नाम सुने होगा बक्सर में, दृष्टि पैथोलैब हो गया, या फिर बहुत सारा मतलब कि पैथोलॉजी है, ठीक है, आदित्य पैथोलॉजी, ठीक है, मतलब बहुत सारे पैथोलॉजी सेंटर है। तो पैथो मतलब क्या, रोग पर अध्ययन होता है, तो ये पैथोलॉजी रोग का अध्ययन, पैथोलॉजी रोग का अध्ययन, ठीक है। ट्रिको बालों का अध्ययन, ये जो ट्रिको है बालों का अध्ययन, डेक्टिलो मतलब अंगुली के छापे का, डेक्टिलोग्राफी, ये देखो ये डेक्टिलोग्राफी अंगुली का छापा, ठीक है। देखो नेफ्रो किडनी, न्यूरो तंत्रिका, मोर्फो बाहरी संरचना, एनाटॉमी भीतरी संरचना, पैथोलॉजी रोग विज्ञान केंद्र, ट्रिको क्या हो जाएगा आपका बाल का। अब देखो डेक्टिलोग्राफी, ये अंगुली के छापे का, ये छापा है ना, इसका अध्ययन। अब देखो, अब बच गया एक कल्चर, कल्चर मैंने लिखा है, देखो सी यू एल टी यू आर ई, कल्चर, कल्चर का मतलब क्या हुआ, अब इसको थोड़ा समझ लो। कल्चर देखो, कल्चर, कल्चर मतलब पट, कल्चर पालन पोषण करना, ठीक है, पालन पोषण करना, ऐसा कृषि करना, सेंस दे देगा कल्चर, लॉजी स्टडी का सेंस देगा, ये मान लेना है, नियत अर्थ नहीं होता, बस मान के चलना है। देखो तो पीसी मत्स्य, अब देखो मैं बताता हूँ तुमको, एपी मधुमक्खी बर्मी केचुआ, एपी मधुमक्खी बर्मी केचुआ, एपी मधुमक्खी, हाँ देखो बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी। तो बर्मी कल्चर मतलब केचुआ का पालन, एपी कल्चर मधुमक्खी पालन, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी, ठीक है, बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी। अब देखिए एक पीसी कल्चर, पीसी कल्चर मत्स्य पालन, ठीक है, पीसी मत्स्य पालन,
पीसी मत्स्य पालन और बीटी बीटी अंगूर 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 का अंग्रेजी ग्रैप्स होता है, लेकिन याद करना बीटी बीटी अंगूर पीसी पीसी मत्स्य पीसी मत्स्य बीटी अंगूर पीसी मत्स्य बीटी अंगूर पीसी मत्स्य बीटी अंगूर पीसी मत्स्य बीटी अंगूर बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी बर्मी केचुआ एपी मधुमक्खी पीसी मत्स्य पीसी मत्स्य पीसी मत्स्य एक बीटी क्या होगा अंगूर पीसी मत्स्य बीटी अंगूर असेरी रेशम कल्चर कल्चर जोड़ देना सेरी कल्चर रेशम का कीट पालन एपी कल्चर मधुमक्खी पालन पीसी कल्चर मत्स्य पालन बीटी कल्चर अंगूर की खेती ठीक कल्चर मतलब समझ रहे। तो ये था आपका जीव विज्ञान की प्रमुख शाखाएं जो कि परीक्षा में उपयोगी है। और एक और याद कर लेना एक होता है डेंड्रोलॉजी देखो तो डेंड्रोलॉजी पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन पेड़ पौधे एवं झाड़ियों का अध्ययन डेंड्रोलॉजी। एक और होता है सिल्वी कल्चर सिल्वी कल्चर कास्टी पेड़ों का संवर्धन कास्टी पेड़ का संवर्धन ठीक है सिल्वी कल्चर कहता है कास्टी पेड़ों का संवर्धन। वीडियो को दो बार देखना अगर याद हो जाए तो आगे भी फॉरवर्ड करना शेयर करना लोगों से सब्सक्राइब करवाना ज्यादा से ज्यादा लाइक करना कमेंट भी करके बताना मुझे कि सर आपने कैसा पढ़ाया अच्छा पढ़ाया बुरा पढ़ाया ठीक है लाइक जरूर करना सब्सक्राइब भी करना। तो मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अपने अगले वीडियो में। अगला वीडियो डाइजेस्टिव सिस्टम से स्टार्ट हो जाएगा यानी आपका पाचन तंत्र से चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा ठीक है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के आप लोगों को ये जय हिंद। लॉकडाउन लगातार चलता हुआ कुछ दिन से लॉकडाउन 4 को देखते हैं आगे क्या होता है। आप सब लोगों को फिर से आदित्य सर का जय हिंद भारत माता की जय कलम क्रांति जिंदाबाद।